तो मैं और आप हम सब अपने डेली के डेली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी टाइप की चीजें देखते हैं। कैसी टाइप की चीजें? अगर मैं इसको घुमाता हूँ, ठीक है, और जैसे कि ये जिस सर्कल में घूम रहा है मैं उसका रेडियस कम कर दूँ, तो अचानक इसका वेलोसिटी बढ़ने क्यों लग जाता है? हाँ, कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं ना। तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा बींग इसलिए होता है क्योंकि फिजिक्स में एक टर्म है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो कि कंजर्व्ड रहता है, कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट, जो कि बढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। मास किस चीज़ का? ये जो घूम रहा है। वेलोसिटी किस चीज़ का? ये जो घूम रहा है। और रेडियस किस चीज़ का? ये जो सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं रेडियस को डिक्रीज करता हूँ, एंगुलर मोमेंटम भी डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व्ड रखने के लिए इसका जो है वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होना चालू हो जाता है जैसे ही मैं इस रेडियस को कम करता हूँ। जैसे कि अपन अभी देखे कि जैसे ही मैं इसका, एक सेकंड, तो जैसे ही मैं इसका जो है रेडियस कम करूंगा, देखना अपने आप बढ़ना चालू हो जाता है इसका वेलोसिटी। ये घूम रहा है, देखा, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, और ये इसका वेलोसिटी कम हो गया, मतलब बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को उसको कंजर्व रखना है।